दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाला है। ये जो वीडियो डाल रहे हैं ये पहले मतलब इस तरह की वीडियो नहीं शेयर की है आप लोगों के साथ, तो सोचे कि आज हम क्यों ना अपना मतलब ऑनलाइन क्लासेस वाला वीडियो आप लोगों के भी साथ शेयर करें। क्योंकि हम लोग का जो अब क्लासेस जो चल रहा है तो ये हम लोग का पैंडेमिक टाइम में बहुत पहले से ही मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग का चला, अभी सेकंड में भी ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, पर फिर से ऐसा कोरोना वाला ओमिक्रॉन वाला केस आने लगा तो फिर हम लोग का फिर से ये वीडियो ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन कर दिया गया एग्जाम होने के बाद। तो चलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज का जो हम लोग का जो पेंटिंग क्लासेस होने वाला है वो चीज के बारे में। तो चलिए जाके देखते हैं, हम लोग का टाइमिंग भी होने वाला है, तो चलिए जाके फटाफट से। ये फिर आप लोगों को भी ये चीज पता होगा ना पहले से भी, मतलब हम पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि मेरा स्टडी टेबल है, ये देखिए इसी पे हम स्टडी करते हैं और क्लासेस चलते समय। तो फिर हम लोग का जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेते, कुछ लोग तो क्लास ज्वाइन भी कर लिया होगा। और हम लोग का क्लासेस चलता है कि 10 बजे से आप लोग को 3:50 तक चलता है। देखिए हम आप लोगों को रूटीन दिखाना चाहते हैं, ये हम रूटीन बना के वॉल पे चिपका दिए हैं ताकि हमको मतलब बार बार फोन को ना देखना पड़े, इसलिए से यहाँ से देख लेते हैं और पता चल जाता है। और एक बात हम बताएंगे, हम लोग को ना ये चीज मतलब हम लोग को सर बताए हैं कि हम लोग को कुछ कुछ कलर वगैरह खरीदने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज, ये हम लोग का एक ऑयल पेस्टल कलर सर बोले हैं खरीदने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये वाला प्लेट वाटर कलर का, इसमें हम लोग पेंट सब निकालेंगे कलर वगैरह। और यहाँ पे देखिए हम कार्डबोर्ड नहीं, ये ड्रॉइंग देखिए आप लोगों सामने से दिखाना चाहेंगे, ये बड़ा वाला ड्राइंग है, इस पे हर एक पेज पे एक एक ड्राइंग होना चाहिए मतलब सर बोले हैं, तो हम लोग इसके लिए बड़ा वाला ड्राइंग ले लिए हैं देखिए मोटा वाला, ताकि इसमें बहुत सारा ड्राइंग सीखेंगे। और एक बात, इसमें देखिए हम लोग ब्रश खरीद लिए हैं सर, हम लोग को इवन नंबर का ब्रश लेने बोले हैं। पता नहीं ये सब ड्राइंग हम स्कूल टाइम में कभी नहीं किए थे, पर अभी बीएड में हम लोग आकर के अच्छा मौका मिला है सीखने का, तो हम लोग सीख लेंगे इसी बहाने, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे देखिए वाटर कलर, ये आर्टिस्ट का हम लोग को सर बोले खरीदने के लिए, तो इसमें 12 कलर है, 12 शेड है, ये देखिए इस तरह का। तो इसमें ये सामने से हम लोग को दिखाएंगे, देखिए हम लोग को मतलब मन में बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चलिए हम लोग जो चीज करने नहीं किए हैं वो चीज हम लोग को करने का मौका मिल रहा है। और इस तरीके से ब्रश इसमें मतलब निकाल करके इसमें ये वाला पेज में हम लोग को ड्रॉ करने के लिए बोला गया। चलिए जाके अभी जल्दी से ये सब करने से पहले ना, अभी जल्दी से क्लासेस भी चल रहा होगा और सब लोग क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे होंगे, जल्दी से हम भी ये कर लेते हैं। तो जो ग्रीन यूज किया वो मीडियम ग्रीन है ना, देखिए यहाँ पर सब लोग क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है सारे लोग को, और यहाँ पे सर स्टार्ट कर दिए हैं ड्राइंग बताना। आज हम आप लोगों को पहले सिंपल सा फ्लावर बताएंगे, तो दोस्तों जल्दी से हम भी सर के साथ ही मतलब ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद अभी हम दिखाएंगे। और आप लोगों को भी अगर मन है पेंटिंग सीखने का किस तरह का होता है, तो फिर हम आप लोगों के साथ भी ये जो स्क्रीन है मेरा मोबाइल वाला वो वाला हम शेयर करेंगे ताकि आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको। अभी आप लोग को एक कोकोनट ट्री हम बता देते हैं, इसको देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ मिडिल से थोड़ा ऊपर में इस तरह से कुछ
कोकोनट बना लेंगे। उसके बाद इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में चारों तरफ कुछ लाइंस दे देंगे। सेवन, सभी को डबल करेंगे, अंदर तरफ मोटा, बाहर तरफ पॉइंटेड कर देंगे। तो दोस्तों सर देखिए ये यहाँ पे सर जैसे बता रहे उसी के हिसाब से हम भी ठीक बनाते है। अभी जाएंगे, इसका अगर पत्ता को हम लोग ठीक से कैसे कर कंप्लीट नहीं करेंगे पाएंगे वो बाद देखिए में। आप लोग। हम डायरेक्ट बना देते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में होगा तो फिर इसका इजी स्टेप हम बताएंगे। अभी इसका पत्ता को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखिए आप लोग। हम डायरेक्ट बना देते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में होगा तो फिर इसका इजी स्टेप हम बताएंगे। ऐसे जिगजैग करके ये मिडिल वाला जो पत्ता है इसका दोनों तरफ दिखेगा, इन सब का एक ही तरफ दिखेगा। जो मिडिल वाला बन है उसको पहले कर लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। अब इसका खाली एक तरफ जितना जगह है उतना में बनेगा। ठीक है, यस सर। अभी इसका नीचे में डाली जो ट्रंक होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो हम लोग देखेंगे वो कहाँ से निकलेगा। ऐसे के हाथ को चलाएंगे इस तरह से, लाइंस दे देंगे। यहाँ खाली दिख रहा है, चाहे तो हम लोग एक और पत्ता बना सकते हैं थोड़ा सा झुका हुआ साइड में। ये वाला सबसे बन जाएगा कि इसका इजी स्टेप लीफ का थोड़ा बताना होगा। बन जाएगा सर। ठीक है, अभी इसका कलर हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कलर ऊपर से शुरू करेंगे हमेशा लीफ से, इसमें लीफ में भी वही कलर होगा। सारा पत्ता हम लोग डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन येलो करेंगे। नीचे का एक पत्ता को थोड़ा सूखता हुआ दिखाएंगे, तो उसके लिए ऑकर एंड ब्राउन होगा। जो कलर हम इसमें यूज करते हैं वही एक पत्ता में हम लोग यूज कर देंगे, ऑकर एंड ब्राउन। बाकी सारे को डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन येलो डार्क ग्रीन। फिर उसी तरह से हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। मान लीजिए हम इस पत्ता को दिखा रहे हैं, हम सभी पत्ता में कलर पूरा ट्री में करेंगे नहीं, एक ही जैसा होगा वो आप लोग कीजिएगा। एक को करके दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें भी हम ब्लैक लाइन बाद में करेंगे, पहले कलर कर लेते हैं, पेस्टल से ही कर लेंगे। इसका जो लाइन नीचे में दिया है डिजाइन से उसी तरह से इसको घुमा के पहले आउटलाइन बना लीजिए। नीचे जो शेप है शेप नहीं बदलना चाहिए। इस पत्ता का नीचे का पार्ट यहां से यहां तक है, उतना ही दूर हमको लाइन देना है। अब वहां पे डार्क ग्रीन को थोड़ा हम भरेंगे। सर इसमें डीप ग्रीन का यूज कर रहे हैं ना? हाँ, डीप ग्रीन है ये। ऊपर में देखिए इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, और उसके बाद इसको हल्का कर देंगे लाइट ग्रीन से मिक्स करने के लिए इस तरह से। अभी हम लोग लेमन येलो ये लाइट ग्रीन को लेंगे, जहां डार्क ग्रीन खत्म किए हैं वहां से शुरू करेंगे। अब थोड़े से जगह में लेमन येलो करेंगे। अगर लगता है कहीं व्हाइट दिख रहा है तो फिर हल्का हल्का हम लोग इस तरह से मिक्स कर सकते हैं।
सारा पत्ती इसी तरह से हो जाएगा, नीचे की ओर डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, उसके ऊपर येलो, ये वाला स्ट्रेट है, तो इसको हम लोग जैसे इधर से डार्क किए थे नीचे में ट्रंक में, इसमें भी वैसे ही करेंगे, इस तरफ डार्क ग्रीन देंगे, इस तरफ फिर लाइट ग्रीन, यहाँ से मिलाते हुए ज्यादा पार्ट में लाइट ग्रीन देंगे, फिर थोड़ा सा येलो देंगे, इन सब में यहाँ यहाँ डार्क ग्रीन कर देना है, इस तरह राइट हैंड तरफ इसका कोना बचाना है, कोना से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सभी जितना एंगल बना हुआ सब में इस तरह से सुंदर से लाइन बना लीजिएगा पहले, उसके बाद लाइट ग्रीन उसके ऊपर, इस पार्ट में लाइट ग्रीन दे लीजिए, इसमें भी डार्क ग्रीन होगा, थोड़ा सा छोटा सा पत्ता है, साइड में येलो, जितना नारियल है सभी में हम लोग डार्क ग्रीन से वाले लाइन देंगे एक तरफ से, फिर लाइट ग्रीन उसके बगल में मिक्स करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा लेमन येलो डाल देंगे, देखिए इस तरह से कोकोनट में भी तीन कलर दिखना चाहिए। अभी हम लोग इसको ब्राउन एंड येलो कर करेंगे, सर। लाइट ग्रीन यूज किया सर जी सर। इसमें हाँ इसमें तीन कलर है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, बोले कि नीचे वाला पत्ता एक तो सूखा टाइप का दिखाएंगे फिर। हाँ, वो हम कर दिए, इसको हम सूखा पत्ता करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, सर मत लाइए थोड़ा। देखिए छोटा छोटा कोकोनट है, उसमें भी आपको तीन कलर दिखाना है इस तरह से, सर क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लीजिए ना। कम जगह है तो हम लोग खाली लाइन से ही तीन कलर दिखा सकते हैं, डार्क ग्रीन को लाइन दिखाना है, लाइट ग्रीन थोड़ा सा करके येलो हल्का दे देना है डॉट की तरह, चलिए ये पत्ता को बता देते हैं, पत्ता में हम लोग ये तीन कलर दिए हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, पत्ता में अगर हम तीन कलर करना चाहें तो ये तीन कलर हमारे पास है, येलो अकर, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, इन तीनों से हम लोग कर सकते हैं, तो इसको कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा डार्क ग्रीन देने के बाद अब लाइट ग्रीन, लाइट ब्राउन, आगे ब्राउन को भी हल्का कर देंगे इस तरह से, अब लास्ट में येलो ऑकर को मिक्स कर देंगे, जिनको मार्कर से आउटलाइन करना है वो पहले कर लेंगे, उसके बाद कलर भरना है, जिनको पेस्टल से आउटलाइन डालना है वो कलर करने के बाद लास्ट में डालेंगे।
सौम्या पे ड्रॉ कर ली है, और आप भी ड्राइंग कैसे, मतलब आप भी ड्रॉ करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कैसे बनता है। तो इतना दिन के बाद ये बहुत अच्छा मौका भी है, चलिए हम लोग को ड्राइंग सीखने का इसी के बहाने। तो दोस्तों देखिए ये रहा मतलब आज का ड्राइंग, कोकोनट वाला कोकोनट ट्री। तो वही तो कैसे लगा आप लोग को ये मेरा पेंटिंग, आप लोग हमको जरूर से मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा मेरा पेंटिंग बना है। पर आप लोगों को भी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये चीज को। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ये सब चीज होता है ना कि मतलब सुबह से क्लासेस रहता है, इस वजह से हम भी मतलब वीडियो वगैरह नहीं कर पाते, नहीं तो फिर ऐसे छुट्टी रहने से तो चलिए हो ही जाता। तो डेली रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक ये सब क्लासेस करना होता है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के लिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय तब तक के लिए।